नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज इंडिया में। और बात करें हम एक बड़ी खबर के बारे में जो निकल कर आ रही मुंबई से सटे नाला सुपारा इलाके से। बता दें कि पेल्हार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले धानी बाग इलाके में एक पानी की टंकी में डूबने से एक 6 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ईस्ट के धानी बाग वाकनपाड़ा निवासी मोहम्मद अब्रार गुलाम हुसैन शेख 35 वर्ष नामक व्यक्ति का 6 वर्षीय बेटा आबिद 27 मार्च की शाम 5 बजे के से जो है आसपास के घर में खेलते खेलते अचानक लापता हो गया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा खोजने के बाद भी परिजन उसे तलाश नहीं पाए और पुलिस स्टेशन में इसकी जो है रिपोर्ट दर्ज कराई। उस वक्त पुलिस ने मामला 363 के तहत केस दर्ज कर लिया था और आगे की जाँच में जुट गए। इसी बीच 28 मार्च की दोपहर 12:30 बजे के आसपास जो है वहां पर एक समीप में ही पानी की टंकी थी जहां पर उसका शरीर तैरते हुए नजर आया। तो कहीं ना कहीं यहां पर बच्चों को खेलते समय पेरेंट्स को या फिर उनके मित्रों को या फिर उनके आसपास जो भी लोग रहते हैं ऐसी घटनाएं जो घटती हैं जैसे पानी की टंकी में या नाले में, इन तमाम चीज़ों को जो है अच्छी तरह से ढक देना चाहिए क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार निकलकर सामने आती है। आखिरकार इस गलती में किसकी वजह से उस 6 वर्षीय मासूम बच्चे की जान गई, फिलहाल इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट में।